मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन हमने मेडिसिन का एक या डोज मिस कर दिया, भूल गए लेना, किसी भी कारणवश दवा अवेलेबल नहीं थी, या याद नहीं रहा, या कोई कारण से हम बाहर गए थे लेकिन दवा ले जाना भूल गए। अगर किसी भी कारण से आपकी दवा मिस हो जाती है तो क्या करना चाहिए, और ऐसे समय पर क्या आवश्यक है आपको स्टेप्स लेना, और क्या ऐसे सिचुएशन में पैनिक हो सकता है, क्या ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि हमें ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट की मेडिसिन अगर चल रही है और डोज का शेड्यूल सुबह 8 बजे था या 10 बजे था, जो भी टाइम पर था, हमें 12-1 बजे याद आता है कि अरे यार सुबह 8 बजे का डोज मिस हो गया, तो हमें 12 बजे वो मेडिसिन का डोज ले लेना चाहिए। इसमें कई बार ये होता है कि आप अगर बहुत घंटे मिस कर चुके हो तो फिर बड़ा इशू हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपने सुबह 8 बजे का डोज मिस कर दिया और रात को 8 बजे का सेकेंड डोज शेड्यूल था और आपको रात को ही याद आया कि यार सुबह का डोज मेरा मिस हो गया है, तो वो वाला डोज को आप उस टाइम पे मत लीजिए। मान लीजिए 8 बजे का सेकेंड डोज है रात को और आपको 7 बजे याद आया, तो आप 7 बजे डोज मत लीजिए, फिर आपका जो रेगुलर डोजिंग टाइम है उस टाइम पे आप डोज को ले सकते हैं, या अगर उस टाइम पे ले रहे हैं तो फिर 8 बजे का जो 1 घंटे के बाद डोज आने वाला है उसको फिर आपको मिस करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों को एक साथ में मत लीजिए, क्योंकि इसमें होता यह है कि जिस टाइम पे आपका बीपी का मेडिसिन आपको लेना था सुबह 8 बजे, उस समय आपने नहीं लिया। हर दवा का 6-8 घंटे, 10-12 घंटे का डोजिंग शेड्यूल होता है अलग अलग मेडिसिन का, जिस टाइम पर वो एक्ट करती है। तो अगर आप सुबह 8 बजे का मेडिसिन लेते तो उसका असर 8 से लेके 2-3 बजे, 4 बजे तक रहता, लेकिन वही मेडिसिन को अगर दो मेडिसिन एक साथ आप डोज ले ले रहे हो तो उस टाइम पे वो असर डबल हो जाएगा, यानी उस दवा को लेने के बाद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि पहले 12 घंटे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, शुगर बहुत ज़्यादा था, और अभी वो सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, तो ये वेरिएशन जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये कोशिश कीजिए कि जब आपको याद आए, अगर 2-4 घंटे के अंदर याद आ गया, सेकेंड डोजिंग शेड्यूल से अगर काफ़ी पहले आपको याद आ गया, तो तुरंत आपको ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले लेना है। लेकिन अगर बहुत लेट आए, याद आया आपको कि पूरा अगला शेड्यूल आ गया या पूरा 1 दिन ही निकल गया उसके बाद ही आपको याद आया, तो फिर डबल डोज मत करिए। डबल डोज करने में कई बार फायदा के बदले नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपने 5-6 दिन का ही अगर गैप कर दिया, मान लीजिए आपने कि 1 दिन के बदले 5-6 दिन का ही गैप कर दिया और पूरा ही दवा का पुराना असर जा चुका है, तो कभी कभी किसी मेडिसिन को रीलोड करना पड़ता है। लोडिंग का मतलब ये कि एक बार में 3-4 मेडिसिन का डोज ले लो ताकि ब्लड में एक बेस लेवल बन जाए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा मेडिसिन को लो। ये खासकर आपके ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशन जो है आपको एक बार में अगर खून पतला करना है तो 3-4 टैबलेट्स एक बार में लेनी पड़ती है। जैसे क्लोपिडोगल नॉर्मल डोज होता है 75 मिलीग्राम, पर जब आपको लोडिंग करना पड़ता है तो 300 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम एक बार में दिया जाता है। ब्रिलिंटा या टिकाग्लोर का जो नॉर्मल डोज है वो 90 मिलीग्राम से लोड करना होता है तो 180 देते हैं। प्रासुगेल का नॉर्मल डोज 10 मिलीग्राम से लोड करते हैं तो 60 देते हैं। तो अगर आपको 4-5 दिन का ही गैप हो गया या उससे ज़्यादा गैप हो गया या पूरा 1-2 महीने का गैप हो गया है, तो फिर आपको वो मेडिसिन का फुल लोडिंग करना पड़ेगा। ये बीपी मेडिसिन में एप्लीकेबल नहीं है, शुगर मेडिसिन में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में एप्लीकेबल है। कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशन आप रीलोड जब कर रहे हो तो उसको डॉक्टर से सलाह ले कि कितना टैबलेट्स लेना है उसको रीलोड कर सकते हैं। बीपी शुगर मेडिसिन का आप अगर डबल ट्रिपल डोज लेते हैं तो वो बीपी को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, शुगर को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, और उसमें बेसलाइन ब्लड प्रेशर का मेडिसिन का लेवल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपको डबल डोज लेने का कॉन्सेप्ट ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में कभी कभी आप कर सकते हो, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर, लेकिन बाकी मेडिसिन में मत करिएगा, आपका ब्लड प्रेशर या शुगर बहुत लो हो जाएगा और आपको जान का खतरा हो जाएगा। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि अपना रेगुलर डोजिंग शेड्यूल को ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि हर दवा का डोजिंग शेड्यूल जो है वो कितने घंटे वो दवा असर करती है उसके हिसाब से बनाया जाता है। कोई दवा 4 घंटे असर करती है, कोई 6 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 24 घंटे, उसके हिसाब से उसका डोजिंग शेड्यूल बनाया जाता है कि आप इतने घंटे तक ये दवा लोगे तो इसका असर रहेगा बॉडी में। लेकिन मान लीजिए अगर आप वो दवा को उस हिसाब से कंसिस्टेंटली नहीं लेते हैं तो बॉडी के लेवल्स बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे, बॉडी के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हर हालत में आपको अपना ब्लड प्रेशर की या शुगर की मेडिसिन को टाइम टू टाइम ही लेना चाहिए। 10-15 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का वेरिएशन में इतना फ़र्क नहीं आएगा।
लेकिन कई घंटों से डोज को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जो ऐसा टाइम अगर आपका होता है कि आपने मेडिसिन मिस कर दी, तो उस समय आपकी बीपी और बाकी कंडीशंस को प्रॉपरली मॉनिटर करिए कि उस समय आपका अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिस हो गई तो बीपी फिर कितना आ रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा ओवरशूट तो नहीं हो गया। कई बार ओवरशूट हो जाता है बीपी जब सडनली आप दवा मिस कर देते हो सकता है आपको एक आध एक्स्ट्रा डोज लेना पड़े। वही शुगर का भी है कि मान लीजिए आपका शुगर नॉर्मल मेंटेन रहता है, आपने एक दो डोज मिस कर दिया और शुगर हो गया 400-500, तो हो सकता है फिर आपको एक्स्ट्रा डोज लेना पड़े। पर ये एक्स्ट्रा डोज जो है प्रेफरेबली डॉक्टर की सलाह के साथ, प्रेफरेबली मॉनिटर कंडीशन में आप ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा डोज लेते हो तो कितना एक्स्ट्रा डोज लेना है, कितनी टैबलेट्स एक बार में लेनी है, कितना इंसुलिन एक बार में लेना है, उसका अंदाज कई बार पड़ना मुश्किल है। और आपने बहुत ज़्यादा डोज ले लिया कि भाई 200 बीपी हो गया, आपने दो के बदले 8 टैबलेट खा ली और फिर बीपी उसके बाद इतना कम हो गया कि आप कोमा में चले गए या आपका बीपी 50 पे आ गया, आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ओवरडोजिंग कर भी रहे हैं या एक के बदले दो टैबलेट ले भी रहे हैं, तो भी कौन सी टैबलेट ले रहे हैं, कितने डोज में ले रहे हैं, कितना ज़रूरत है, इस चीज़ों को असेस करके करना चाहिए। यानी बेसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि उस समय की आपका ब्लड प्रेशर, शुगर का, हार्ट का कंडीशन को मॉनिटर करके आप दवा को ले तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लड थिनिंग की और कोलेस्ट्रॉल लेवल के मॉनिटरिंग के उतने टेस्ट नहीं आते हैं, तो उसमें आपको वो पता नहीं चलेगा कि मेरा अभी ब्लड पतला हुआ कि नहीं हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि रोज जाके दवा मिस हो गई तो लिपिड प्रोफाइल करा के फिर टेस्ट करो। लेकिन हाँ, उसमें खैर उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर बीपी और शुगर के केस में खासकर आपको कंडीशन को मॉनिटर करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे केस में कई बार आपका शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूटअप भी हो जाता है, जो कि डेंजरस हो सकता है। अगली बार मेडिसिन ना मिस हो, इसके लिए आपको रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत है। मोबाइल एप्लीकेशंस पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का। कई बार आप मेडिसिन के बॉक्सेस बना सकते हैं, कई ऐसे बॉक्सेस भी आते हैं जिसमें स्प्लिट डोज रहता है कि मॉर्निंग का ये डब्बा, इवनिंग का ये डब्बा। तो आपको 2-4 घंटे बाद या कभी भी आपने देखा कि भाई ये तो मेरा मॉर्निंग का डोज मिस हो गया, तो आपको एटलीस्ट याद आ जाएगा। उम्रदराज पेशेंट्स में कई बार डिमेंशिया का प्रॉब्लम होता है, तो वो भूल ही जाते हैं कि मैंने डोज लिया कि नहीं लिया। तो वैसे पेशेंट्स में किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपने उनका ध्यान रखना है कि वो आप मेडिसिन उनको दे दीजिए। अगर वैसा कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, कोई वृद्ध व्यक्ति या डिमेंशिया का पेशेंट अकेले रह रहा है, कोई अवेलेबल नहीं है, तो फिर मोबाइल के रिमाइंडर्स और इस तरह की चीज़ों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि वो रिमाइंड करे पेशेंट को कि हाँ दवाई आपने ली या नहीं ली, और फिर वो बॉक्स को साथ में चेक कर ले कि पेशेंट भूल गया कि मैंने सुबह का डोज लिया कि नहीं लिया। मोबाइल का रिमाइंडर बजा तो आप जाके बॉक्स को चेक कर लीजिए, अरे मैंने डोज लिया कि नहीं लिया। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को आप एक साथ में चेक कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा और आप दवा भूलने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा। कई मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह भी आते हैं जो आपको इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आपका मेडिसिन का डोज आप भूलें नहीं। हालांकि ये किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को मैं रिकमेंड एटलीस्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये है कि आप सर्च कर सकते हैं, इस तरह का कोई एप्लीकेशन अगर अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो दवा मिस हुई है उसके कॉज को समझने का प्रयास करिए कि ऐसा क्यों हुआ, आज मॉर्निंग में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था, क्या दवा कम पड़ गई इसलिए मिस हो गया, या पेशेंट लेना भूल गया इसलिए मिस हो गया, कि पेशेंट बाहर चला गया था इसलिए मिस हो गया, कि जो व्यक्ति देने वाला था या जो नर्सिंग स्टाफ या जो रिलेटिव देने वाला था वो कहीं बाहर चला गया इसलिए मिस हो गया। उस चीज़ को आप एड्रेस करने का प्रयास करिए कि दवा मिस क्यों हुई, ताकि वो अगली बार ना हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप एक ही कारण से बार बार दवाइयाँ मिस होती है, जो कि पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आप उसको एड्रेस करने का प्रयास करिए कि इस व्यक्ति में जो ये दवा का शेड्यूल मिस हुआ वो इस कारण से हुआ, और अगली बार उसका एक बैकअप आपको सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए हस्बैंड को अगर वाइफ दवा देती है या वाइफ को हस्बैंड दवा देता है और अगर एक दिन वो बाहर है, तो आपने किसी थर्ड पर्सन को भी बोल के रखना पड़ेगा कि भाई जिस दिन वो नहीं है आप जाके उनको दवा दे देना और चेक कर लेना कि दवा ली कि नहीं ली। खासकर डिमेंशिया वाले पेशेंट में जिनकी याददाश्त जा चुकी है, उम्रदराज पेशेंट है जो खुद से उठ बैठ नहीं सकते, तो वैसे पेशेंट में आपको थोड़ा और ज़्यादा बैकअप लेके चलना पड़ता है कि ये नहीं तो ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे, तो उससे अगली बार दवा मिस होने का चांस कम हो जाएगा। कितना फर्क पड़ेगा ये ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन कितनी सीवियर है उस पर डिपेंड करता है। कई पेशेंट्स को माइनर प्रॉब्लम है और छोटी मोटी लेवल पे दवा चल रही है, तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 के बदले 140 और दवा चल रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनका बीपी 200 चला जाता है तो उनको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, जिनका शुगर 400 चला जाता है उनको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जितने हाई डोज पर दवा चल रही है और वो सडनली अगर मिस होती है उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर लो डोज पर मेडिसिन चल रही है तो फिर उतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर मेडिसिन का डोजिंग पैटर्न, हर मेडिसिन का हाफ लाइफ पैटर्न, ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप मेडिसिन को
प्रॉपरली ले सकोगे और उसके शेड्यूल्स को एडजस्ट कर सकोगे। अगर आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये दवा कितने घंटे असर करती है, कितने दिन असर करती है, तो कई बार प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक इमरजेंसी प्लान भी सेट करके रखिए कि मान लीजिए ऐसा हो गया कि बीपी बहुत शूट अप हो गया, कि शुगर बहुत शूट अप हो गया, तो क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को फ़ोन करना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है, उनके हॉस्पिटल जाना है, एडमिट हो जाना है, वो भी बैकअप प्लान होना चाहिए। और वो भी डॉक्टर से पूछ के भी रख सकते हैं आप कि सर अगर मेरा ब्लड प्रेशर मान लीजिए 200 हो गया, मेरा शुगर सडनली 400 हो गया, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो वो चीज़ों को आप डिस्कस करिए डॉक्टर के साथ और पहले से ही वो बैकअप प्लान मेंटेन करके रखिए कि इस सिचुएशन में मुझे घर पे क्या मैनेज करने की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ों से मैं इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ ताकि मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। यदि आप ट्रैवल में अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा दवा का स्टॉक लेके जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार दवाइयाँ जब मिस होती है वो ट्रैवल के लिए मिस होती है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यार दो दिन बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही है, चलो वो दवा चेंज करेंगे, अभी दो दिन मिस कर देते, जब वो जाएंगे तब दवा ले लेंगे। तो वैसे केस में जो पुरानी दवा चल रही है उसी का एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेके आप दवा कंटिन्यू कर लीजिए, फिर जाइए तो दवा चेंज करवा लीजिए, मान लीजिए अगर दवा खत्म हो गई तो। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि दो दिन बाद जाना है तो दो दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके पहले चले जाइए, आप डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, अगर दवा चेंज करनी है तो कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर के पास जाना है ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप दवा मिस कर दीजिए। इसके अलावा आपको अगर किसी फार्मासिस्ट के पास दवा अवेलेबल नहीं है, ये इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो फार्मेसी से पहले से स्टॉक मंगवा के रखिए, घर पे ही एक्स्ट्रा स्टॉक लेके रखिए दवा का, कि भाई ये दवा आपको अगर एक महीने चलने वाली है तो 40 दिन की दवा मंगा के रखिए, 10-15 दिन का बैकअप सप्लाई हमेशा इमरजेंसी के लिए रखिए ताकि अगर सडनली दवा मिस हो जाए तो उसे मैनेज किया जा सके। इसके अलावा जो भी है पेशेंट का इमरजेंसी बैकअप प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी पेशेंट का मेडिकल आईडी होना चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, पेशेंट अनकॉन्शियस वगैरह हो जाए तो उसे हॉस्पिटल रश किया जा सके। और पेशेंट को अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप भी डॉक्टर के पास कराते रहना चाहिए कि उसका लेवल्स ठीक चल रहा है कि नहीं, वो मेडिसिन अगर मिस कर रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई बॉडी सिस्टम प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ों का भी रेगुलर फॉलोअप और चेकअप होते रहना चाहिए ताकि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको पहले से चीज़ें एडजस्ट करके दे सके और चीज़ों को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूज़फुल और रेलिवेंट पॉइंट्स आपको मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।